सब्सक्राइब कीजिए सिटी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रेल मंडल प्रशासन ने छठ पूजा के दौरान होने वाली अतिरिक्त भीड़ के प्रबंधन एवं यात्रियों को सुखद यात्रा अनुभव देने के उद्देश्य से एक कार्य योजना बनाई है। गुरुवार को DRM विनय श्रीवास्तव ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से इस कार्य योजना की जानकारी मीडिया के प्रतिनिधियों को दिया। इस कार्य योजना के प्रमुख बिंदु इस प्रकार बनाई गई है। भीड़ प्रबंधन के लिए प्रमुख स्टेशनों पर विभागीय अधिकारियों को तैनात किया गया है। वे समय समय पर इमरजेंसी कंट्रोल को फीडबैक देंगे। समस्तीपुर मंडल पर कुल 68 विशेष ट्रेनें चल रही है। 68 विशेष ट्रेनों में से 32 ट्रेनें समस्तीपुर डिवीजन से शुरू हो रही है। सभी प्रमुख स्टेशनों के स्थानों पर स्पेशल ट्रेनों की सूची फ्लेक्स बैनर के माध्यम से प्रदर्शित की गई है। सभी प्रकार की यात्री सुविधाओं जैसे बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, सफाई, पे एंड यूज शौचालय, पार्किंग, स्टेशनों पर उचित प्रकाश व्यवस्था आदि की निगरानी CS और CTTI द्वारा 24 घंटे की जाएगी। परेशानी मुक्त टिकटिंग के लिए प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त UTS और PRS काउंटरों की योजना बनाई गई है। अतिरिक्त काउंटर सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त साधारण टिकट हेतु 8 स्टेशनों पर 27 यूनिट ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन तथा 8 स्टेशनों पर 37 JTBS काउंटर कार्यरत है। इसके अलावा 14 स्टेशनों पर YTS के काउंटर कार्यरत है, जिनसे आरक्षित एवं अनारक्षित टिकट बिना लंबी लाइन में लगे प्राप्त किया जा सकता है। यात्रीगण अपनी यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व अपने घर से ही UTS ऑन मोबाइल ऐप का प्रयोग भी अनारक्षित टिकट बुक कर सकते हैं। गाड़ियां किस प्लेटफॉर्म पर आएगी इसकी एडवांस प्लानिंग की गई है तथा उद्घोषणा के उपरांत प्लेटफॉर्म में कोई बदलाव नहीं होगा। नियमित आधार पर गाड़ियों के आगमन प्रस्थान संबंधित घोषणाएं सुनिश्चित की जाएगी। सभी संबंधित पूछताछ कार्यालयों के कर्मचारियों को सही जानकारी देने और हमेशा चौकस रहने का निर्देश दिया गया है। ट्रेनों, स्पेशल ट्रेनों की नियमित घोषणा, ट्रेनों में अतिरिक्त कोच का समायोजन, सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी लावारिश या संदिग्ध वस्तु को न छूने, साफ सफाई के प्रति जागरूकता, ट्रेनों के सही आगमन और प्रस्थान के बारे में NTES में समय पर फीडिंग आदि सुनिश्चित किया जाएगा। सभी खान पान इकाइयों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। जनता भोजन पैड आइटम और पीकेस्ड पीने के पानी जैसे स्टॉलों पर भोजन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। वाटर वेंडिंग मशीन और जल बूथों के उचित कामकाज को भी सुनिश्चित किए जाएंगे। अतिरिक्त मे आई हेल्प प्राथमिक चिकित्सा बूथ सभी प्रमुख स्टेशनों पर 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। चिकित्सा विभाग की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएगी। प्रवेश निकास, FOB, सर्कुलेटिंग एरिया आदि पर भीड़ को हटाने के लिए सभी प्रमुख स्टेशनों पर पर्याप्त RPF GRP कर्मचारी तैनात रहेंगे। उनकी टीम सभी प्रकार की असाधारण स्थिति के लिए तैयार रहेगी। विभिन्न विभागीय अधिकारियों की देखरेख में एक आपातकालीन नियंत्रण कक्ष 24 घंटे काम करेगा। नियंत्रण कक्ष का संपर्क नंबर 06274232250 एवं 232251 और 9771428963 है। वरिष्ठ नागरिकों, मरीजों और दिव्यांगजनों के लिए व्हीलचेयर, स्ट्रेचर और अतिरिक्त काउंटर की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। किसी भी सहायता के लिए वे सहयोग काउंटर से संपर्क कर सकते हैं। प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर सामान्य श्रेणी के कोच के पास दोनों छोर पर पानी के जार रखे जाएंगे तथा पर्याप्त संख्या में डिस्पोजेबल गिलास भी उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि यात्री पानी पी सके। अभी प्रमुख स्टेशन पे हमने नोडल अधिकारियों की तैनाती कर दी है और इंटरडिसिप्लिनरी टीम है, अंतर विभागीय टीम है। समय समय पे एक हमने इमरजेंसी कंट्रोल भी बना दिया है समस्तीपुर में अपने कंट्रोल ऑफिस में, उसको देंगे हर स्टेशन पे। इसके अलावा जो मेजर स्टेशन है जहाँ पे की भीड़ होने की आशंका है वहाँ पे हम लोगों ने जो है लोकल कंट्रोल ऑफिस भी बना दिया है जहाँ पे नोडल ऑफिसर बैठे रहेंगे और वो लोकल ऑफिसर के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। आज इसी संदर्भ में जिला प्रशासन से भी अपनी सुबह समन्वय मीटिंग हुई थी, उसमें भी ये सब बातें से की गई। समस्तीपुर डिवीजन में कुल 68 स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, जिसमें से 32 ट्रेन हमारे यहाँ से ओरिजिनेट कर रही हैं। सभी प्रमुख स्टेशनों पर जितनी भी स्पेशल ट्रेन चल रही हैं हम लोग उनकी डे वाइज जो है सूची जो है डाल दी गई है।
अतिरिक्त यूटीएस और पीआरएस काउंटर खोले जा रहे हैं, जिससे कि और वहाँ अतिरिक्त कर्मचारी भी तैनात किए जा रहे हैं, जिससे कि अगर कोई टिकट खरीद के यात्रा करना चाहे तो उसको कोई परेशानी ना हो टिकट खरीदने में। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन निर्देश जारी कर दिया गया है कि प्लेटफॉर्म किसी भी ट्रेन का चेंज नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्लेटफॉर्म चेंज होने से यात्रियों को थोड़ी सी मतलब भगदड़ मच जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है उनको। प्लेटफॉर्म चेंज हम लोग नहीं करेंगे, जिस प्लेटफॉर्म पे आएंगे उसकी भी एडवांस प्लानिंग करेंगे, और जो स्पेशल ट्रेन हैं और रेगुलर ट्रेन हैं उनकी भी लिस्ट हम लगा देंगे सभी स्टेशन के बाहर कि कौन सी ट्रेन कितने बजे किस प्लेटफॉर्म से जाएगी। बाकी जो हमारे प्रवेश और निकासी के द्वार हैं और जो फुट ओवर ब्रिजेज हैं उन पे आरपीएफ, स्काउट्स एंड गाइड्स, लोकल टिकट चेकिंग स्टाफ की ड्यूटी लगी रहेगी, जिससे कि वो भीड़ का नियंत्रण करते रहें और ये इंश्योर करें कि वहाँ पे कोई मतलब ओवर क्राउडिंग ना हो पुल पे, क्योंकि बहुधा पुल वुल पे जो है भगदड़ मचने का स्कोप रहता है, तो उसके लिए ये काम कर रहे हैं हम लोग। सारे स्टेशनों पे जहाँ ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड हैं जो बताते हैं कि कौन सा कोच कहाँ आ रहा है, उनको चेक कर लिया गया है, वो सारे काम कर रहे हैं। पूछताछ जो सहायता बूथ है हमारा, अतिरिक्त सहायता बूथ लगाया जा रहा है, वहाँ पे अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती होगी, जिससे कि किसी भी यात्री को अगर कोई भी शंका हो तो उसका समाधान हो जाए। सभी टिकट चेकिंग स्टाफ जो हैं उचित वर्दी और पहचान पत्र के साथ प्लेटफॉर्म पे यात्रियों का मार्गदर्शन करेंगे और रेल मित्र के रूप में काम करेंगे। इनका काम इस समय टिकट चेकिंग नहीं होगा, इनका काम होगा पैसेंजर्स को गाइड करना और उनकी कोई अगर परेशानी हो तो उसका उपाय करना। जो NTA सिस्टम है, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, उसमें भी स्पेशल ट्रेनों की एंट्री करा दी गई है, उनके प्लेटफॉर्म की भी एंट्री हम लोग आज शाम तक जो है कर लेंगे, जिससे कि कोई NTA सिस्टम में अगर पैसेंजर लॉगिन करता है तो उसको पता चल जाए कि कौन सी स्पेशल ट्रेन किस तारीख को किस दिन किस प्लेटफॉर्म से चलेगी, ये भी हम अभी कर लेंगे। बाकी सभी जो हमारे कमर्शियल इंस्पेक्टर्स हैं उनको खान पान इकाइयों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। जनता भोजन की सुलभता जो है वो कराई जा रही है और पैकेज वाटर वगैरह जो है पर्याप्त मात्रा में हो ये सुनिश्चित किया जा रहा है। पेयजल जो है दोनों तरफ हम लोग प्लेटफॉर्म के हर प्लेटफॉर्म पे दोनों साइड पे हम लोग जो है पानी के जो बड़ी बड़ी बॉटल आती हैं वो रखेंगे और डिस्पोजल ग्लासेस भी उपलब्ध कराएंगे। वरिष्ठ नागरिकों, मरीजों और दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर, स्ट्रेचर और अतिरिक्त काउंटर की व्यवस्था कर दी गई है। पीने का पानी, सफाई, पे एंड यूज, शौचालय, पार्किंग, स्टेशनों के उचित प्रकाश, इन सब की व्यवस्था कर दी गई है और टिकट चेकिंग स्टाफ और कमर्शियल सुपरवाइजर्स ये लोग 24 घंटे राउंड द क्लॉक 3 शिफ्टों में इसको मॉनिटर करेंगे। पार्सल पैकेजेस जो हैं प्लेटफॉर्म पे हम कोशिश करेंगे कि कम से कम संख्या में रखे जाएं इस पीरियड में, जिससे कि यात्रियों के आवागमन में कोई बाधा ना हो पाए। आरक्षण काउंटरों की निगरानी जो है सारे CRS करेंगे, नंबरिंग होगी पूरी और भीड़ के दौरान दलाली को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अभियान भी चला रहे हैं हम लोग, और हर PRS काउंटर पे RTO के साथ 2-3 सुपरवाइजर्स की टीम रहेगी जो हर समय वहाँ पे मौजूद रहेगी। एक प्राथमिक चिकित्सा बूथ भी हम लोग हर स्टेशन पे शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे मैं LPO के साथ साथ लोग रहेगा। हर स्टेशन पे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था कर रहे हैं। निकासी और OP और सर्कुलेटिंग एरिया पे भीड़ हटाने के लिए RPF और स्काउट्स एंड गाइड्स के साथ साथ हमने GRP और जिला प्रशासन से भी सहयोग के लिए बात की है और उन्होंने हमें ये कंफर्म किया है कि वो हमें अतिरिक्त सहायता इसके लिए भी देंगे। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि विभिन्न अंतर विभागीय कर्मचारियों की देखरेख में आपातकालीन नियंत्रण कक्ष जो है 24 घंटे काम करेगा 30 तारीख तक। जरूरत पड़ी तो हम 30 तारीख के बाद भी इसको 1 हफ्ता या 10 दिन जैसा भी भीड़ का वो रहेगा उस पर बढ़ा सकते हैं। एक ये लिस्ट है मेरे पास जो स्पेशल ट्रेन्स की है, जहाँ से ओरिजिनेट करेंगे ये मैं भी आप सब लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ACM साहब कहाँ चले गए? अरे इधर आप मेन आदमी है भाई यार।
पड़ेगा, सॉफ्ट कॉपी सबके नंबर्स तो है ना, एक अटेंडेंस शीट सर्कुलेट कर दो ना, उसमें सब लोग अपना नंबर रख रहे हैं। अच्छा, ये सब लोग आप सब लोग ग्रुप में है, तो ये ओरिजिनेटिंग टर्मिनेटिंग और ये सारा आप ग्रुप में शेयर करें, ये ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, ठीक है? तो फिर आप जैसे हो मतलब इसको जनता तक जितना पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, मेरे आप बाकी इस सिचुएशन को जिला प्रशासन के स्तर पे, मंडल प्रशासन के स्तर पे और रेलवे बोर्ड और रेल मंत्री के स्तर पे भी मॉनिटर किया जा रहा है काफी गहन तरीके से। अभी इसी क्रम में जो है 12:30 बजे हम लोग की महाप्रबंधक महोदय के साथ भी मीटिंग है, तो इसमें हम लोग कड़ी नजर रखे हुए हैं, कोशिश यही है कि कोई भी असुविधा ना हो। हर स्टेशन पे जैसा हमने बताया था ना, वो भी लिस्ट दे देना यार, कौन कौन है क्राउड कंट्रोलर्स हैं, स्टेशन पर पंक्चुअलिटी काफी खराब है। हाँ, उसके लिए कल रात मैंने राइटिंग में निर्देश दिया है, जितनी भी स्पेशल ट्रेन चलेंगी हमारे उनकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर रहेगी सिवा राजधानी, एक राजधानी एक्सप्रेस को छोड़ के वो बाकी सब ट्रेनों के ऊपर प्रायोरिटी रहेगी, प्राथमिकता दी जाएगी। अभी तो हमारे 90% वैशाली इसलिए लेट आई है क्योंकि कल रात में इटावा के पास वहां पर आग लगने का एक्सीडेंट हुआ था, तो एक कोच S6 जो है उसको डिटैच करना पड़ा था, इसमें करीब 2:20 से और 6:16 तक का समय गया था, फिर भी इसमें मेकअप कर लिया। एक कोच की साफ सफाई की समस्या भी था, उसके लिए हमने ऑलरेडी जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और जैसे क्लीन ट्रेन स्टेशन होता है उसी की तर्ज पे जितने लोकेशन से हमारी स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं उन लोकेशन पे अतिरिक्त आदमियों की और मैकेनाइज्ड क्लीनिंग की व्यवस्था की गई है। सर, बेसिक समस्या ये है कि जितना हमारे पास ट्रेन है मूलभूत सुविधा है जैसे छठ है या भीड़ जो यात्रियों का क्राउड उस हिसाब से हमारे पास ट्रेनें नहीं है, उतनी ट्रेनें नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि घटता हुआ स्लीपर बॉगी, सभी बड़ी ट्रेन में लंबी दूरी की ट्रेनों में स्लीपर बॉगी घट रहा है और बेतहाशा वेटिंग लिस्ट कट रहा है सर, भीड़ बढ़ रही है, ये बेसिक समस्या है जिसके कारण सर भीड़ बढ़ता है और जिसके कारण इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। और दूसरी जो समस्या है सर, अपना एक UTS ऐप है सर, वो 6 मीटर या 10 मीटर तक काम करता है ताकि लोग खिड़की पर न जाए कटा लें, लेकिन वो नॉर्मली सर अक्सर हाँ सर वो नेटवर्क इशू है या क्या प्रॉब्लम, वो काम नहीं करता है सर, भीड़ घटाने का ये भी एक सर। और सर दूसरी बड़ी बात है सर, बेतहाशा स्लीपर टिकट करता है और स्लीपर बॉग जो सर स्लीपर क्लास है वो अब 4-5 ही रह गए हैं, जो कभी 12-13, हाँ सर हम कई ट्रेन का हमने डाटा लिखा सर, हम आपको दे देंगे, जो कभी 12-13 स्लीपर क्लास होते थे, AC 2-3 होता था, अब AC 8-9-10 है, स्लीपर 4-5 है, हम सर उसका डाटा रखे हुए हैं सर, मिथिला भी है सर, बिहार स्वतंत्रता सेनानी भी है सर। देखिए इसमें इसमें ये कहना चाहूंगा कि जब मैंने प्रथम बार हवाई यात्रा की तो मैं 31 साल का, आजकल तो लोग 7-8 साल की उम्र से हवाई यात्रा शुरू कर देते हैं। अभी आप किसी भी फ्लाइट में जाएं, चाहे दरभंगा से दिल्ली जाएं, दरभंगा से बेंगलोर जाएं, तो हर क्लास का आदमी आपको फ्लाइट में मिल जाएगा, तो जो AC कोचेस लग रहे हैं इनमें दो चीजें हैं, दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज हो रही है AC कोच लगाना जो है हमारी धीरे धीरे जो है मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि 130 किलोमीटर के ऊपर जब ट्रेन चलती है तो जो धूल धूल अंदर आती है वो फिर पॉल्यूशन लेवल बहुत हानिकारक हो जाता है। 130 के ऊपर जब भी ट्रेनें चलेंगी तो हमें AC लगेगा ही, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो पहले लोग स्लीपर में चलने में संतुष्ट थे, एक वो एस्पिरेशनल वो होता है, वो आज AC में चलना चाह रहा हूँ, AC 3 टायर में चलना चाहते हैं, इसीलिए AC 3 टायर जो है भारतीय रेल का सबसे प्रॉफिटेबल क्लास है आज के डेट में। सर फिर मैं कहूँगा सर, रेलवे फिर भी जो हम 68 स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं वो
उसमें पर्याप्त मात्रा में जनरल और स्लीपर कोच हैं, 68 ट्रेनें हैं। अगर हम 1200 भी लगा दें कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी एक ट्रेन की, तो 72,000 डेली जो है इसमें हर ट्रेन के जो है 7-8 फेरे लगेंगे। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2-2.5 लाख का क्राउड रहेगा जिसको हम क्लियर कर पाएंगे। सर लगातार यात्रियों के बैग में जो है पदार्थों के जिन्हें यात्रा करते हैं, समस्तीपुर में भी इसके लिए मशीन लगा हुआ है पिछले 2 वर्षों से, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, सिर्फ घूस गिराने के लिए। ऐसा है कि अभी इस विषय पे चर्चा हुई है, ये एक्शन प्लान बना है कि हर स्टेशन पे आधुनिक ई स्कैन मशीन लगाई जाएगी, पार्सल को भी स्कैन करेंगी और यात्रियों को स्कैन करेंगी। लेकिन इसमें एक हमारी थोड़ी सी बाधा ये है कि जैसे अगर 1 लाख पैसेंजर जा रहे हैं हमारे यहाँ 2-3 महीने, तो सबको स्कैन करना शायद उस समय संभव नहीं होता। नॉर्मल कोर्स में हो जाता है, बट जिस समय भीड़ पड़ती है, जैसे सहरसा स्टेशन पे मैंने खुद ही देखा है और लोग बताते भी हैं कि ऑल ऑफ अ सडन जो है 20-25 हज़ार आदमी सडनली आ जाते हैं। तो इस टाइप की सिचुएशन में फिर आपकी जितनी जो स्कैनिंग होती है वो अभी कमीशनिंग उसकी करवाई एक महीने से पहले काम करती थी सर। नहीं, उसमें कभी नहीं, कभी नहीं, 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 नहीं